Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be very fine. And today we want to discuss the movement of water and of course minerals and salts, inorganic, organic, solute particles from the root hairs till the xylem of the root. And tomorrow we shall commence with the topic of ascent of sap. But today we just confined our you can say study or the learning.

और इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम शो करना चाहें तो ये किसी पर्टिकुलर रूट से किसी पर्टिकुलर रूट के किसी इस एरिया से लिया गया है वेयर वेयर क्या एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलेंट रूट हेयर जहां तक कहीं रूट हेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि किसी इस जोन में से मैंने रूट का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है ये वाला राइट right. यू नो आप पढ़ लिखे बच्चे हैं कि ये जो हमारे पास सबसे वाली लेयर है इसके सेल्स डंबल शेप होते हैं साइडों से पत्ते हैं टेपर डाउन जो सेंटर से मोटे सेल्स हैं इस तरह के राइट और इन सेल्स को अगर आपने ड्रा करना हो तो यू कैन फॉलो मी तो आपको नजर आएगा कि हम किस तरीके से इन सेल्स को ड्रा कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन राइट right? तो बाद में आप इनको बिल्कुल ऐसे जोड़ सकते हैं तो यू विल फाइंड कोई जैसे शादी वाह में ढोलकी बजाते हैं उस ढोलकी की तरह के सेल बन जाएंगे जो दरमियान में ऐसे मोटे हैं और साइडों से क्या है पतले हैं दिस आर कॉल्ड एज वाट एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल्स के अहम बात यह है कि अपेडेंटली आप लोगों को इसके दरमियान में कोई इंटरसेलर स्पेस नजर नहीं आ रही लेकिन ऐसा नहीं है सेल्स आर लाइंग वेरी क्लोज टू वन एन अदर एंड दे आर ज्वाइंट टू कैल्शियम पैक्टेड स्टिल इट कैन अलाउ द परिक्रेशन ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट सर्फेस एंड इवन इन बिटवीन द टू सेल्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज पॉसिबल अब इस एक पर्टिकुलर सेल की अगर मैं बात करूँ जो मैंने अब यहां पर ड्रॉ किया है मैग्नीफाई करके आप लोगों के लिए तो आप लोग चिमटी या ट्यूजर को जानते हैं वो आपने पकड़ा राइट right? और इसकी सेल मेम्ब्रेन को हमने बाहर एक्सटेंड कर दिया एलॉन्गेट सेल वॉल तो ये जो चीज मेरे पास बनी इसके एक्सटेंड होने के बाद उसको मैंने बहुत ज्यादा डरीबी मोटा ड्रॉ किया हुआ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये बेसिकली सब चीजें यहाँ प्रेजेंट होती हैं राइट एंड दैट वेरी एक्सटेंशन

डिफरेंट किस्म की प्लांट न्यूट्रिय समथिंग लाइक इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिय समथिंग लाइक ऑर्गेनिक न्यूट्रिय देव एन टू इट एंड देक अस का मतलब ये होगा कि एक सोल्यूशन हमारी सॉयल में प्रेजेंट है और उसको मैं इस पर्टिकुलर जोन में किसी शेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिस वेरी एरिया शेडेड एरिया मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स राइट दिस वेरी शेडिड एरिया इज बेसिकली मेकिंग वॉट सॉइल सोल्यूशन सोइल सोल्यूशन इसका मतलब यह कि एक सोल्यूशन वो है जो प्लांट के रूट हेयर के बाहर है और एक सोल्यूशन डेफिनेटली वो है दैट इज कॉल्ड एज द सेल सेप जो सेल का अपना इंटीरियर फ्लोड है दूसरा जोन मेरे पास वो है उसको हम यहां पे शो करना चाहें तो डेफिनेटली इट इज समथिंग लाइक इट अब मेरे पास और मजीद डालिकसी शो करने की जगह नहीं है तो इस तरह डालीकेसी शो हो नहीं सकती यू नो वेरी वेल के जो मैंने अब सेंटर में एरिया बनाया है ये वाला दिस वन दिस वन इट इज कॉल्ड एज वैक्यूल जाहिर आपको पता है ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है तो जब मैंने इस पर्टिकुलर सेल को ट्यूजर से पकड़ के खींचा तो इस पर्टिकुलर सेल का साइटोप्ला वैक्यूल भी क्या हो गया एलोंगेट हो गया तो जाहिर है उसके साइडो में प्रेजेंट ये वाला साइटोप्लाज्म भी साथ साथ क्या हो गया इलांगेट हो गया इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्लांट की एपिडर्मिस के मॉडिफाइड सेल्स ही क्या है रूट हेयर है राइट अब इस पर के रूट हेयर के मतलब क्या प्रेजेंट हो गया जाहिर है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन देन साइटोप्लाज्म एंड देवेक्यूल मैंने आपसे बात की कि एक सोल्यूशन इस पर्टिकुलर रूट हेयर के बाहर है उसे मैंने क्या नाम दिया सोल्यूशन जिसको मैं से यहां शो किया हुआ है अराउंड वैक्यूल कॉल्ड अब बात यह है कि हमने बेसिकली दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है और वो चीजें क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन अगर आप उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को देखिए जो

हाइपोटोनिक हाइपो Hypo का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कम कि यहां पे सोल्यूट कम है यानी कि यहां पे मिनरल्स एंड सॉल्ट्स कम है राइट right? वाटर ज्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि एक हाइपोटॉनिक सोल्यूशन जिस बात पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर राइट तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड इट मे बी ड्यू टू वाटरिंग ऑफ द प्लांट पॉट्स बाई यू और इट मे बी ड्यू टू रेन इट मे बी ड्यू टू फ्लड वट एवर बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड एंड लोअर इन साइड कल हम डिस्कस किया था कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से मूव करता हुआ इस पॉइंट बी पर आ गया है तो इस वाले केस में इट इज सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज के इस वाले केस में सेल मेम्रेन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन जब यही वाला वाटर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सेल वॉल और सेल मेब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा इनसाइड तो मैंने क्या वर्ड यूज किया सेल मेम्बरेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा तो अब क्या इन्वॉल्व होगी पीपीएम मींस पार्शियली परमेबल मेमब्रेन तो यही वाला वाटर अब कर रहा है क्या ऑस्मोसिस इसका मतलब ये होगा कि सॉयल पार्टिकल्स के अंदर चूंकि सेल मेब्रेन इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम ऑरिजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो मैं इसे क्या बोलूंगा सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर लेकिन जब यही वाला वाटर इस पर्टिकुलर रूट हेयर की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास होगा तो प्रोसेस क्या लगेगा क्या ऑस्मोसिस इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं एक क्या है मेरे पास डिफ्यूजन हम वाटर के सेंस में बात करें और दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है ऑस्मोसिस सॉइल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन और प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस बिकॉज मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं इसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है राइट right? अब हम चलेंगे कि इस पर्टिकुलर फोर्स के रिजल्ट में नाउ no right? ये वाला वाटर क्या करेगा इट विल इट विल स्टार्ट इट विल बिगिन इन इट्स जर्नी टर्ड द सेंटर अब ये सिर्फ मूव कर रहे हैं यहां से ये सिर्फ मूव कर रहे हैं वॉटर राइट अब वॉटर की मूवमेंट टूवर्ड वॉट एपिड सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज केस वाले केस में किसी किस्म की कोई मेमरी इन्वॉल्व नहीं है वाटर खुद से अपने अंदर मूव कर रहे हैं हाँ एक काम और देख सकते है। case case cyclosis, case हैं कईस वाले केस में डेफिनेटली साइकलॉसिस के इस पर्टिकुलर सेल की जो अपनी स्ट्रीमिंग है वो भी रोल प्ले कर रही है इसके बाद ये वाटर कहां पहुंच जाएगा एपिडर्मिस के लेवल से आगे पहुंचेगा अब एपिडर्मिस ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स उसने इस पर्टिकुलर वाटर को एक और कंपार्टमेंट में डाल दिया है एंड दैट वेरी कंपार्टमेंट चेम्बर इट इज मेड अप ऑफ वट लूजली पैक्स सेल्स डेफिनेटली मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये तो इवन एपिडर्मिस ड्रॉ की राइट right? मैं तो उन सेल्स की बात कर रहा हूं जो एपिडर्मिस के अंदर ले कर रहे हैं वो कौन से सेल्स है लुक एट दिस वो ये वाले सेल्स अगर आप इन पर्टिकुलर सेल्स को देखो तो ये सेल्स यूजली ओवल शेप होते लाइक एट like इस तरह से होते हैं। और इनके दरमियान में बड़ी वाइड क्या होती है सेलुलर स्पेसेस होती राइट और ये वाली सेलुलर स्पेसेस और ये वाले सेल्स ये क्या करेंगे ये वाटर की मूवमेंट को एंश्योर करेंगे फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द एंडोडर्मिस। आई अब हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं एंडोडर्मिस? लुक एट दिस ये मैंने इस आप लोगों के लिए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया इसके एन सेंटर में समथिंग लाइक इट और इसके सेल भी वैसे ही हैं कि जिस तरह के हमारे एपिडर्मिस के सेल मीन साइडों से पतले और दरमियान से मोटे राइट right? दरमियान से मोटे और साइडों से कैसे स्टूडेंट्स पतले अब आप इसको देखिए जरा बिल्कुल जैसे मैंने एपिडर्मिक सेल ड्रॉ किए थे वैसे ही मैं ये वाले सेल्स भी ड्रॉ कर रहा हूं राइट right? और अगर मैंने इसको कंप्लीट करना हो तो आई है पार्टीशन ये इस तरह से राइट right? कंप्लीट कर लीजिएगा हमारी स्टूडेंट्स आप लोग आई एम सभी तरफ से ड्रॉ कर टू तो इनकल द कॉन्सेप्ट अब देखिए जरा हम वाटर की मूवमेंट को ब्लैक एरो से शो कर रहे हैं आप जरा बात को गौर से देखिए कि के एक केस मेरे पास ये जो वाटर है वो इस पर्टिकुलर प्लेस में से इंटरसेलर स्पेस में से गुजरता हुआ कहा पहुंच गया एंडोडर्मिस के पास इस वाले केस में हमने नॉन लिविंग चीजों को यूज किया राइट right? हमारे पास एक साइंटिस्ट उसका नाम था अर्स्ट मंग राइट ही वॉज बेसिकली अ जर्मन साइंटिस्ट एंड ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जिसने बहुत ज्यादा प्लांट के प्रोसेसिस पे काम किया राइट right? और इन्होंने एक टर्म यूज की जिसको आज हम मतलब पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इज वट एपोप्लास्टिक पाथवे एंड एंड सिम प्लास्टिक, अब जो प्लास्टिक है उसका पहले हमें मतलब समझना है स्टूडेंट्स मतलब, मतलब होता है नॉन लिविंग इस वाले केस में मैंने सेल के नॉन लिविंग पार्ट को यूज करना है अब सवाल यह है कि हमारे पर्टिकुलर रूट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें हम नॉन लिविंग कंसिडर कर रहे हैं तो आंसर है इंटरसेवलर स्पेस इंटर सेलुलर स्पेस एक बात हो गई दूसरा सेल वॉल भी तो नॉन लिविंग है आपको पता है ना कि सेल वॉल कैसे थे नॉन लिविंग इट इज फ्रीली परमिएबल एनीथिंग कैन गो एंड लीव द सेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्फेस टू वी कंसिडर वॉट द सेल वॉल एज नॉट लिविंग तो प्लस हमारे पास दूसरी चीज क्या आ जाएगी सेल वॉल ये दोनों की दोनों चीज़ों के थ्रू अगर क्या इन्वॉल्व है वाटर के मूवमेंट तो हम इसे बोलते हैं वो प्लास्टिक पाथ है अगर मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करूं तो आप ये समझ लें कि ये मेरे पास एक सेल है और ये मेरे पास एक दूसरा सेल है कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक साथ तीसरा सेल है तो जहां पे ये वाली दो वॉल्स आपस में मिल रही हैं यहां पे या यहां पे उस वो दो वॉल भी क्या कर सकती हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकती हैं नॉट ओनली बाय अलोइंग द सरफेस दैट कैन दैट कैन एड्सॉर्ब एड द वाटर विद इट और आल्सो ऑफरिंग द स्पेसेस टू कम्युनिकेट साइटोप्लाज्म ऑफ द टू एडजेसेंट वॉट सेल्स तो उस पर्टिकुलर स्पेस को जो सेल वॉल ऑफर करती है उसे हम नाम देते हैं क्या प्लाज्मो डेजमेटा प्लाज्मो स्पेल पे कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों ने राइट प्लाज्मो डेज मेटा तो इस में जो वाटर है वो नॉट ओनली इस्तेमाल करा था किसको इंटरसल स्पेसिस को बल्कि उससे जो सेल वॉल्स है उनको भी यूज किया राइट और उसके साथ उसने वाटर को पहुंचा दिया कहां तक एरोडर्बिस तक आगे क्यों नहीं चलता भी two, ये भी बाद में देखते हैं नंबर टू यही वाला वाटर इसके लिए मैं सेकेंड रूट के लिए ब्लूमा का यूज कर रहा हूं कि अब ये वाला जो वाटर है ये ऐसा भी कर सकता है कि वो इस तरह मूव करे और आखिर साइड किस पर रुक जाए एनोडर्मिस पे आके रुक जाए अब देखिए हमने क्या किया हमने जैसे ये सेल आपस में जुड़े हुए थे इन सेल्स को आपस में जोड़ के एक जॉइंट सेल्स एंड विल रीच अप टू इस वाले केस में हमने लिविंग मटेरियल यूज किया है और जब भी मैं किसी लिविंग मटेरियल को इस्तेमाल करता हूं यूनो सेल इज लिविंग यूनो इज लिविंग यूनो इज लिविंग तो जब मैं लिविंग पार्ट को यूज करता हूं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं व्हाट सिम प्लास्टिक पाथवे। तो इस पर्टिकुलर प्लास्टिक प्लास्टिक पाथवे पाथवे में, में हम लोगों ने दो चीजें इस्तेमाल की वन ऑफ देम वॉज मेमरी एंड अदर वन वॉज वट साइटोप्लाज राइट इन दो चीजों को इस्तेमाल करते हुए इवेंचुअली हमने वॉटर को एपेडर्मिस से लेकर कॉटेक्स में से गुजारा और उससे एनोडर्मस तक पहुंचा दिया राइट right. कौन से पाथ इस्तेमाल हुए सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक एपोप्लास्टिक को मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है ब्लैक से लिखा है और सिम प्लास्टिक पाथे को मैंने ब्लू से लिखा है और ब्लू से ही ड्रॉ किया है अल्टीमेटली ये वाटर अब इस पर्टिकुलर कॉर्टिकल टिश्यू में से गुजरता हुआ इवेंचुअली के खड़ा हो गया है इस पर्टिकुलर रिंग के बाहर दैट इज कॉल्ड एज वट एनोडर्मिस मैंने आपसे बोला था माय डियर स्टूडेंट्स कि एपिडर्मिस के सेल और एनोडर के सेल्स एक जैसे कैसे शक्ल वाइज क्या शक्लवाइड अरेजमेंट वाइज भी सेम है तो आंसर इज नो मैंने आपको भी यहां पर बात की थी कि ये वाले सेल्स आपको आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसके दरम्यान में स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में से वाटर और मिनरल और इस तरह सब चीजें मूव कर सकती हैं लेकिन आप जरा गौर से उस पर्टिकुलर सेल्स को देखें जो एरोडर्मिस को बना रहे राइट right. तो आपने क्या देखा कि यहां पे जहां दो सेल्स की वॉल्स आपस में मिल रही हैं वहां पे गैप था समथिंग लाइक समथिंग लाइक एट समथिंग लाइक इट ये गैप था राइट right. आपने अभी उस गैप का नाम ना अंडरस्टैंड किया क्या था नाम इस गैप का एक्सेलेंट प्लाज्मो तो ये जो प्लाज्मो था ये दो काम कर सकता था नंबर एक कि ये दो सेल्स के दरमियान में से वाटर की मूवमेंट को भी इंश्योर कर सकता था और इस पर्टिकुलर वाटर की सेल की लेटरल मूवमेंट में भी हेल्प कर सकता था इंश्योर कर सकता था लेकिन यात्रा ने क्या किया और यात्रा ने इस पर्टिकुलर प्लाजमो डेटा को क्या कर दिया बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ब्लॉक हो गई एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉकेज इट इज अप ऑफ सम वॉटरप्रूफ मेटीरियल राइट एंड दैट पर्टिकुलर वाटर प्रूफ मेटीरियल इज ईदर लिगनिन राइट तो लिग्न और सुबरिन ये वॉटर प्रूफ मेटीरियल इस वॉटर प्रूफ मेटीरियल की प्रेजेंस में अब ये समझ लें कि इस वाले केस में ये ईटे हैं जो साथ साथ रखी हुई हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है लेकिन ये वो ईट है जिनको हमने प्रॉपर क्या किया नॉट ओनली सीमेंट से जोड़ा बल्कि उसको हमने कवर भी कर दिया सीमेंट के कोर्ट से और ऊपर किसी वेदर शील्ड का पेंट भी कर दिया नॉ वाटर कैन नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स राइट भी ज्वाइन कर सकता ये रास्ते ब्लॉक हो गए अब वाटर इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकता इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकता इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकता इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टिकुलर क्रॉसिंग और गेट्स दे आर परमानेंटली ब्लॉक बात आपको समझ आ रही है तो यहां पर मैंने बेसिकली कौन सा वे ब्लॉक कर दिया आंसर इज एपो प्लास्टिक वे सो so, अब एपो प्लास्टिक वे इज नो मोर देयर राइट

कि यहां से गाड़ी गुजरने वाली थी और उस पर्टिकुलर रेलवे क्रॉसिंग वाले बंदे ने उस क्रॉसिंग को क्या कर दिया बंद कर दिया बाय मींस ऑफ रेलवे क्रॉसिंग गेट और उस रेलवे क्रॉसिंग गेट का यहां पे नाम क्या है कैसपेरियन स्ट्रिप्स सो so, कैसपेरियन स्ट्रिप्स आर प्रिवेंटिंग एपोप्लास्टिक पाथवे तो वाटर कैसे जा सकता है फिर जरा सी प्लास्टिक पाथवे से इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है एक और लेयर टाइटली पैक सेल्स की जाती है और हम उस टाइटली पैक सेल्स की लेयर को नाम कह देते हैं पेरीसाइकल राइट पेरी साइकिल नो वाटर विल क्रॉस दिस पर्टिकुलर पेरीसाइकल एंड यू नो कि ये वो सेल्स हैं कि जो जाहिर है न्यू किस्म के वाले में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं और इवेंचुअली अगर आपको याद हो तो मैंने ड्रॉ किया था लेक्चर नंबर टू में मैंने आपको बोला था कि मैं बार बार लेक्चर नंबर रेफरेंस देता रहूंगा इसी लेक्चर नंबर टू हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि यहां पे एक स्टार like right? शेप और जो वॉटर यहां पर पहुंचेगा इट विल बी रेडली टेकन अपर जाइलम सेल्स जाइलम सेल्स विल एनश्योर मूवमेंट ऑफ वाटर टूवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट इज कॉल्ड एज वट एसेंट ऑफ सैप राइट आज की हम आखिरी बात यह करने वाले हैं कि वॉटर तो मूव कर गया किस वे से डिफ्यूजन से यहां से यहां और फिर ऑसमोस के अंदर और फिर डिफ्यूजन से यहां और फिर उसने ऑप्ट के लिए दो पाथवे इसका नाम कहते हैं प्लास्टिक पाथवे और एक का नाम कहता है सिम प्लास्टिक पाथवे लेकिन जो मेरे पास वाटर और मिनरल्स हैं अगर मैंने उनको यहाँ पे अपलोड करना हो मिनरल सॉल्ट को सॉरी अपलोड करना हो तो यू you नो know हमने कल एक टर्म पढ़ी थी कि यहाँ पे फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और हमने एक नाम और पढ़ा था आपको याद है स्टूडेंट्स वेरी गुड एक्सेलेंट हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है तो ये वाले फिनोमिना भी हैं कि जो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स एंड ऑय्स को प्लेस कर सकते हैं किसके अंदर रूट हेयर के अंदर और आपको ये भी याद है कि बहुत से ऐसे मिनरल्स एंड ऑयल भी हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो बल्क में भी मूव कर सकते हैं बहाल एनी हो सबसे अहम बात यह है कि ये इसके अंदर जॉइन हो नेक्स्ट बात है कि दे शुड कमेंस देयर जर्नी टू वर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट उसके बाद आप में से गुजरे कॉर्टिकल टिश्यू में से पास हो और फिर आगे जाके उनका सामना एक आइसोलेटेड एरिया में क्या बोलते हैं एरोडर्मिस के साथ क्या शामिल है और प्लस क्या शामिल है हमारा जाइलम और क्या शामिल है इन सारी की सारी चीजों को बहुत से ऑथर स्टील बोलते हैं और बहुत से जो स्पीकर जो स्टेल भी बोलते हैं आई लव टू से तो ये वाटर अल्टीमेट स्टेल में चला जाएगा और विल स्टेलोर इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स एज एसेंट ऑफ सैप और एसेंट ऑफ सैप को हम डेफिनेटली कब पढ़ेंगे कल और till that lecture take very good care of yourself and your great parents allah hafiz